हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज है। यूजुअली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि लास्ट वीक जो मैं अपना असाइनमेंट करने के लिए उदयपुर गया था, उस पूरे असाइनमेंट को आपके साथ साझा करूँ कि ट्रैवल जो असाइनमेंट हम लोग करते हैं जहाँ पे पेड ट्रैवल रहता है हमारा, यूजुअली हमारे क्लाइंट्स पे करते हैं सारी चीज़ों के लिए, तो क्या कुछ हमें मिलता है और हमारा असाइनमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लस वीडियो को चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत हुई थी IGI एयरपोर्ट से, जहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी उदयपुर के लिए। फॉर दिस टाइम मैंने विस्तारा की फ़्लाइट पकड़ी हुई थी। विस्तारा एक अच्छा कैरियर है ये मैंने सुना था, बट पर्सनली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं बैठ गया विस्तारा एयरलाइंस में। तो जैसे मैं एयरलाइंस पे बैठा, किस्मत अच्छी थी, मेरे बराबर वाली सीट खाली थी, प्लस मैंने विंडो सीट बुक कर रखी थी, तो इट वॉज नाइस। प्लस एक चीज़ ऐसा भी हुआ कि मेरे बोर्डिंग पास पे तो नहीं लिखा हुआ था कुछ, बट जैसे ही मैं एयरलाइंस में घुसा तो आई गॉट टू नो कि फ्लाइट के अंदर सारे पैसेंजर्स को ही कॉम्प्लीमेंट्री मील मिल रही थी। दो इट वॉज अ गुड मील, बट अच्छा लगा कि जब फ्री में आपको मील मिलता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आई एक्सपीरियंस दैट। के मैं पहुंचा उदयपुर। जैसे उदयपुर पहुंचा तो पहुंचते ही हमारा स्वागत किया हमारे ये भैया ने, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये फ़्लाइट काफ़ी छोटी थी, ओनली 1 आवर की फ़्लाइट, और मैं पहुंच गया उदयपुर। तो जैसे उदयपुर पहुंचा, वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की कि ऊबर का पिकअप पॉइंट कहाँ है, तो लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे थे। पता लगा कि यहाँ पे ऊबर को बहुत अच्छा वैल्यू नहीं दिया जाता है। फिलहाल पहुंच गए हैं उदयपुर, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं ठीक पीछे G20 प्रेसिडेंसी, ऑब्वियसली थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, पर दिस इज़ वेयर जहां से मेरा काम शुरू होना। तो फिर मैंने ऊबर से ही बुकिंग की, और बुकिंग कैंसिल करवा के बंदे ने बोला कि आप वैसे ही मुझे पे कर देना, बिकॉज एयरपोर्ट बहुत दूर है मेन सिटी से, और जिस होटल पे मुझे जाना था वहाँ से उसको वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती, तो इसीलिए उसने बोला कि थोड़ा सा प्लस अमाउंट आपको देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वॉट आई हैड टू डू, क्योंकि लगभग 20-22 किलोमीटर मेरा होटल था एयरपोर्ट से, तो आई हैड नो चॉइस। बट इट वाज अ गुड ड्राइव। जो ड्राइवर भैया के साथ मैं जा रहा था, काफ़ी अच्छी बातचीत करते हुए मैं उनके साथ निकल गया। 20-22 किलोमीटर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एंड अगेन, राजस्थानी लोग होते भी थोड़े से अच्छे हैं, तो उनके साथ बातचीत करते हुए समय कब निकल गया, कब मैंने सफ़र तय कर लिया, इतना ज़्यादा मुझे खला भी नहीं। ऑब्वियसली रूम में मैं पहले ही आ गया था, बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक ऑफ माय रूम। तो ये है एक अच्छा सा बेड, देन आई हैव दिस नाइस व्यू, उसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा साइड टेबल है, एक छोटा सा काउच है, एंड बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है हमारे इस कमरे से। ऑब्वियसली जो अरिका रेस्टोरेंट है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, सिटी से थोड़ी सी बाहर है, दिस इज़ वाई आप यहाँ पे सिटी का इतना अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। जो ज़्यादा अगर आप अच्छा इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैठ के ले सकते हैं, तो यहाँ पे बैठ के आई विल इन्जॉय माई व्यू। शाम को सनसेट यहाँ से काफ़ी खूबसूरत देखने वाला है, तो वो मैं यहाँ से देखूँगा। एंड उसके अलावा अगर रूम का एक छोटा सा फिर से टूर ले ले, तो इट्स अ नाइस स्पेसियस रूम, रूम छोटा नहीं है, इट्स अ बिग साइज रूम। चलिए अब छोटा सा हम लोग वॉशरूम का भी टूर कर ले। ऑब्वियसली जैसे आप यहाँ पे घुसेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं, आई गेस हर होटल में ये चीज़ें होती है, तो यहाँ पे भी है। एंड वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा सा है, क्वाइट फैंसी स्टफ, चेहरा देखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें, एंड खूबसूरत सा अच्छा सा आईना, तो आईने में मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ। एंड पीछे है द शावर एरिया, ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। तो ऑब्वियसली यही है मेरे इस रूम में से, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग बाहर जाके देखने वाले हैं, विच इज़ द प्रॉपर्टी का पूरा लोकेशन व्यू,
होटल पे रिसेप्शन पे कह रहे थे कि भाई यहाँ पे गॉल्फ कार्ट है, गॉल्फ कार्ट के थ्रू ही हर जगह जाते हैं, तो एक आधा राइड गॉल्फ कार्ट की और लेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी देखेंगे, उसके अलावा थोड़ा देर रेस्ट करते हैं रूम में, काफ़ी अच्छा बेड है, सो द बेड इज़ वेटिंग फॉर मी, जाके इस पर थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो प्रॉपर्टी देखने के लिए आ गया था मैं बाहर, काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है एंड एज़ यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। देयर इज़ दिस नाइस बैकग्राउंड जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा पूरा एक ब्लॉक ही है जिस ब्लॉक में होटल्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली 4 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में सिर्फ होटल है जहाँ पे लोग रहते हैं, देन देयर आर 3 डिफरेंट ब्लॉक्स जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे आई डोंट थिंक कि गेस्ट रहते हैं, देयर आर फॉर देयर ओन यूजर्स। उसके अलावा वी हैव दिस नाइस एरिया जहाँ पे स्विमिंग पूल है, देन वी हैव जिम, वी हैव स्पा, वी हैव लाइब्रेरी, वी हैव लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं एक दिन में इतना देख भी नहीं सकता, बट स्टिल मैं थोड़ा सा नीचे आया था टहलने के लिए, तो टहलते टहलते कुछ वीडियोज़ बनाई है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आई होप उसमें मैं चीज़ों को ढंग से दिखा पाऊँ। Doors closing. Floor 4. Doors opening. Elevator going down. Doors closing. तो हर जगह यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है, दिस इज़ व्हाट यू कैन सी एंड दिस इज़ द गैलरी जहाँ से मेरे रूम का रास्ता जाता है, सो इट्स अ नाइस स्पेस, गैलरी वाला स्पेस है। इस साइड पे भी एक प्रॉपर्टी है, लाइक यहाँ पे भी रूम्स हैं एज़ यू कैन सी, इधर भी बहुत सारे रूम्स हैं एंड देन यहाँ पे भी रूम्स हैं, तो मेरा रूम इधर ही है, सो लेट्स गो टू माई रूम नाउ। Oh!
सुबह का टाइम हुआ है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज का, एंड आई एम गुड टू गो फॉर द शूट। नीचे जाना है होटल के अंदर ही, सेम स्पॉट पे शूट है, बट उससे पहले मैं एक बार आपको सिर्फ सनराइज दिखाना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल सनराइज, मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ, देन विल गो। सो मेरी खिड़की से व्यू, एंड दिस इज द सनराइज। कैन यू सी इट? नाइस पैनोरामिक व्यू, पूरा यहाँ से लैंडस्केप इतना खूबसूरत सा दिख रहा है, एंड वहाँ पे हो रहा है हमारा सनराइज। तो आई हैव लाइक 5 मिनट्स, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। एंड शूट अच्छा हुआ, पिक्चर्स भी ऑलरेडी सारी भेज चुका हूँ। सो दिस इज़ द वेन्यू, काफ़ी अच्छा वेन्यू था। ओबियसली कल आपने रूम देखा होगा, तो उस हिसाब से वेन्यू भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। G20 का इवेंट था, इवेंट डिड गो वेल। अब हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, 8 बजे की फ्लाइट है, 10 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे, एंड दैट्स द रैप फॉर द डे। आई डोंट नो ज़्यादा फुटेजेस मैं पिक्चर्स लेते हुए कि नहीं दिखा पाया, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती है जहाँ पे आप ऐसे दिखा नहीं सकते, सो आई कुड नॉट डू दैट, अलाउड नहीं होता है, एंड बीइंग प्रोफेशनल आप ऐसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाई लिटिल लेस वीडियोस ऑफ द मेन थिंग, बट मे बी नेक्स्ट टाइम अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो पिक्चर्स फाइल करते हैं उस टाइम पे थोड़ी बहुत वीडियोस बना लूँ, सो दैट यू गेट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया इवेंट क्या रहता है, कैसा रहता है, बट बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। भाई काफ़ी इजी चेक इन था, पहुंचा मैं एयरपोर्ट पे, 5 से 7 मिनट लगा होगा मैक्स, उसमें सिक्योरिटी भी हो गया, चेक इन भी हो गया, बोर्डिंग पास भी ले लिया, फ्लाइट थोड़ी देर के में ही है, तो अब थोड़ी देर में बस फ्लाइट लूँगा एंड आई विल बी बैक टू दिल्ली। एंड उसके अलावा ये हमारा छोटा सा एयरपोर्ट उदयपुर का, चले बाहर देखते हैं थोड़ा सा। ये हैं हमारे साथ बैरी, तो आज पूरे दिन हम लोग साथ में थे, उसके अलावा थे बोरिंग दिन था ऑब्वियसली। शूट ऐसा गया, इतने लोग बोल रहे थे, सिर्फ बैक टू बैक वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस था बोलते ही ये हो रहा था बस, कुछ लोग इन पर्सन बोल रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन जूम पे आके बोल रहे थे, बट बोल ही जा रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे या ऑब्वियसली कुछ लोग वहाँ पे लाइक सेकेंड हाफ में खाना खाने के बाद सब सो रहे थे, वहाँ पे कुछ काम ही नहीं था लोगों के पास, सबका पेट भरा, पेट भरते ही सरकारी लोग है ही भाई, क्या दिक्कत है वहाँ पे, तो वही था। एंड उसके अलावा गौरव भाई हमारे पीछे रहे, जैसे ये भी लगे हुए हैं, तो चलिए अब चलते हैं फ्लाइट पकड़ते हैं। A few moments later. भाई आज फुल एडवेंचर होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं इस छोटी सी फ्लाइट में जो है आप देख सकते हैं, और हम लोग इस अच्छे से बस में बैठ के आए हैं, कहाँ से, ये सामने से, जहाँ से लोग व्हील चेयर से चल के आ रहे हैं, व्हील चेयर पे आ सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग अभी इस अच्छे से बस में बैठ के आए हैं। कौन सी फ्लाइट लेने के लिए? ये हमारी सुंदर सी फ्लाइट लेने के लिए। आप बैठो मेरे साथ इस सीट पे। ये मेरी है। नॉट बैड, लेग रूम दिया हुआ है इस फ्लाइट के अंदर, एंड ठीक है, लाइक ऊपर कवर्ड खुला हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, देयर इज नो, अच्छा देयर इज लॉक, सॉरी देयर इज लॉक, बट जैसा रख रहा था मुझे लग नहीं रहा था कि फिर लॉक वॉक होगा, बट खैर इट्स फन एंड अच्छा दिन रहा था। सो दिस इज अ डे ऑफ माय लाइफ, होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्लाइट टुडेगी एंड वी विल लैंड इन दिल्ली। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग।
स्टेशन से देखो। एडवेंचर हो रहा है आज। हमें कहा गया था कि हमारा सामान बेड नंबर 3 पे आएगा, मतलब 20 मिनट से यहीं खड़े हैं और 20 मिनट से यहाँ पे विस्तारा फ्लाइट बेंगलुरु का लगेज आ रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग। ये देखो भाई अपना दुखी होकर बैठ गया, अब नहीं आ रहा। एंड ये सामान पता नहीं ये सामान किन का, एक ये जिसका है वो उठा नहीं रहे, हमारा सामान आ नहीं रहा। हो क्या रहा है यहाँ पे?